सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेसी नेताओं को चेताया है कि इन उपचुनावों में वे और उनकी पार्टी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे और यदि विपक्षी दलों ने उनके खिलाफ कुछ बोला तो फिर बोलने वालों को सुनना मुश्किल हो जाएगा। आज भाजपा प्रत्याशी ब्रिगेडियर खुशाल ठाकुर के नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद ऐतिहासिक सैनी मंच पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे अच्छे माहौल में उपचुनाव जा रही हैं। उन्होंने नाम लिए बिना ही शिमला ग्रामीण से कांग्रेस के विधायक विक्रमादित्य सिंह पर भी जुबानी हमला बोला। सीएम ने कहा कि पहली बार चुनकर आए नेता कर्मचारियों को पटकने और गिद्ध दृष्टि रखने की बातें कह रही हैं। यह हिमाचल प्रदेश की संस्कृति नहीं है बल्कि सब्र में रहकर बात करना ही यहाँ की संस्कृति और सभ्यता रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मंडी का उपचुनाव मंडी के लोगों के स्वाभिमान की लड़ाई है क्योंकि मंडी जिला को आजादी के बाद पहली बार जो मान सम्मान मिला है उसे बरकरार रखना है। उन्होंने फिर दोहराया कि मंडी हमारी थी, हमारी है और हमारी ही रहेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद जब प्रदेश में आम चुनाव होंगे तो मंडी जिला के लोगों के सहयोग से प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। कुछ चीजें बड़ी अजीब अजीब सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, विचित्र लग रहा है, मैं उन बातों का जिक्र भी नहीं करना चाहता। हम एक अच्छे माहौल में इस चुनाव की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमने तय किया कि हम किसी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन कल कुछ लोग यहां पर आएंगे, उनकी उनकी बात कैसे रहती है उस पर निर्भर करेगा, उस पर निर्भर करेगा कि उसके बाद फिर हमको क्या बोलना है, क्योंकि हमारे पास बोलने के लिए इतना ज्यादा है। जब हम बोलना शुरू करेंगे तो उनको सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ नेता ऐसे संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं फिर कर्मचारियों के ऊपर अपना अधिकारियों के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। पहली बार हम सुन रहे हैं उन बातों को, पटक पटक करके फेंकेंगे। विचित्र परिस्थिति है ये, हम गिद्ध दृष्टि रखते हैं, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। हमने कई सरकारें आती देखी हैं, जाती देखी हैं, जो हमारे मित्र ऐसा कह रहे हैं जिनको हमने हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार देखा, और मालूम नहीं कौन सी सरकारों को देखते रहे होंगे। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र है अपनी बात कहें, लेकिन सब्र रखें तो अच्छा रहेगा। हम सब्र में रह करके बात कर रहे हैं, यही हिमाचल की संस्कृति है, यही हिमाचल की देवभूमि का संस्कार है और इस संस्कार के साथ हमको आगे बढ़ना है। मंडी को लंबे समय के पश्चात अवसर मिला है, मुख्यमंत्री सभी जिलों का होता है, मैं इस बात से मना नहीं करता हूं, पूरा प्रदेश हमारा है, लेकिन स्वाभाविक रूप से आज अगर आपको यह अवसर मिला है तो हमें इस बात को भी समझना होगा कि कहीं भी हमारे सम्मान को, आप हमारे स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ये मंडी हमारी थी, ये मंडी हमारी है और ये मंडी हमारी ही रहेगी, इस बात का संदेश देने की आवश्यकता है। ये बहुत मुझे लगता है बहुत आवश्यकता है और स्वाभाविक रूप से यही मंडी की, मांडव ऋषि की धरती हमको आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है और ये हौसला आप लोग देंगे, ये हिम्मत आप लोग देंगे। मैं निश्चित रूप से आपको कहता हूं, ये चुनाव के बाद जब अगले साल हम आजकल के दिनों में चुनाव के दौर में से, विधानसभा के चुनाव के दौर में से गुजरेंगे, गुजरने की स्थिति में होंगे, करीब होंगे, 2022 भी मंडी वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके देंगे, ये काम हम हिमाचल प्रदेश में करके देंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।